सृष्टि की, कैसी सृष्टि की सबको पता है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने अंग के दो हिस्से किए और बाम अंग से सतरूपा, दाहिने अंग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए। स्वयंभू मनु सतरूपा के तीन पुत्री और दो पुत्र हुए, आकुति देवहूति प्रसूति, तीन बेटी और दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब इन्हीं के प्रसंग में ही आगे का क्रम पूरा चलेगा। इसी बीच में भगवान बराह प्रकट हुए, उन्होंने पृथ्वी की रक्षा करके पुनश्च उसको विद्यमान किया, हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकश्यप ने उसी दिन से तपस्या प्रारंभ कर दी ठाकुर जी से युद्ध करने के लिए। तो पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु पधारे और स्वयंभू मनु के तीन पुत्रियों में से एक पुत्री की कथा अब यहां से प्रारंभ होती है, जिनका नाम है देवहूति। और देवहूति के वहां भगवान कपिल के रूप में पधारे। बड़े ध्यान से कथा सुनिएगा। एक ऋषि हुए जिनका नाम था कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। ये ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे और 1000 वर्ष की तपस्या करने के बाद जब ठाकुर जी प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा वरदान मांगो, वर मांगो, क्या चाहिए। तब कर्दम ऋषि ने भगवान से क्या मांगा, बहुत सुंदर बात, कि तथा सचाहम परिवो दुकाम समान शीलां ग्रह मेध धेनुं उपेवान मूलम शेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपश्य। यहां जितने भी लोग अविवाहित बैठे हैं और जो अब विवाह करने के बस समय पे आ गए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। देवहूति माता ने कर्दम ऋषि की प्राप्ति की, लेकिन उसके लिए कर्दम ऋषि ने तपस्या की। यह पहली बार सुनने में आया कि किसी व्यक्ति ने विवाह के लिए तपस्या की। और एक बात कहें, करनी भी चाहिए। जीवन का सारा परिवर्तन हो जाता है विवाह के बाद। वास्तव में कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, आप बस प्रारंभिक जी रहे थे जब तक विवाह नहीं हुआ। विवाह होने के बाद तो असली जीवन प्रारंभ होता है। आप सब लोग इस बात में ज्यादा अनुभवी हैं, हमको तो गुरुजनों का अनुभव है, वैसे तो अनुभव नहीं है। तो गुरुजनों के जो भागवत आदि ग्रंथों में जो वर्णित है उसका अनुभव है, और उसके अनुभव के अनुसार व्यक्ति का जीवन ही प्रारंभ विवाह के बाद होता है। विवाह का मतलब क्या होता है, विशेष प्रकार का भार, उसको उसी को विवाह कहा गया। तो कर्दम ऋषि ने भगवान की तपस्या की और तपस्या करते हुए ठाकुर जी ने जब कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए, कर्दम ऋषि कहते हैं जो मांगेंगे सो दोगे आप। भगवान बोले निश्चित देंगे, मांगो क्या चाहिए। तब कर्दम ऋषि कहते हैं तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीलाम ग्रहमेद धेनुम। सब लोग सावधानी से सुनो। हे भगवान, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मुझसे भी कई अधिक आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा विवाह हो जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। समझ में आई बात। हे नाथ, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपकी जितनी सेवा करता हूं, मैं आपका जितना यजन करता हूं, मुझसे भी कई गुना ज्यादा आपसे सेवा करने वाली, आपसे प्रेम करने वाली, आपका यजन करने वाली एक कन्या से मेरा विवाह हो जाए, इसी के लिए मैं 1000 वर्ष से तपस्या कर रहा हूं। तो भगवान पहले तो हंसे। भगवान बोले वाह,
ये क्या मांग रहे हो आप हमसे? बोले ठाकुर जी, मांगनी तो आपसे भक्ति चाहिए, लेकिन अगर मैं गृहस्थाश्रम में भक्ति मांग रहा हूं तो क्या बुराई है? ऐसी पत्नी मिल जाए जो आपकी भक्ति करे, बस ये कृपा करके दे दो। तो भैया जितने भी अविवाहित बैठे हैं, निश्चित है कि कथा में बैठे हो तो आप सब भक्त हो, और विवाह के बाद सबको इच्छा है कि हमारे जीवन संगी जो हमें वो भी भक्त आमें। तो कर्दम ऋषि का ये जो श्लोक है इसको नित्य गाया करो, ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो, तथा सचाहम परिवोड काम समान शीलाम ग्रह में दधेनुम। भगवान प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने कर्दम ऋषि से कहा, ठीक है कर्दम ऋषि, आप चिंता मत करो, परसों स्वयं भूमनु की बेटी देवहूति के साथ आपका विवाह होगा, वो आपसे भी ज्यादा मेरा भजन करती है, आपसे भी ज्यादा मेरा यजन करती है, आपसे भी ज्यादा मेरा चिंतन करती है। बहुत ध्यान से सुनो, कर्दम ऋषि का ये वरदान सुनकर के, भगवान का ये वरदान सुनकर के कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए, लेकिन भगवान कहने लगे, ये वरदान तो आपके मांगने पर हमने दिया, एक वरदान हम अपनी तरफ से आपको देना चाहते हैं। बोले क्या? देवहूति के साथ विवाह होगा, ये हमारी तरफ से वरदान है, पर आपके यहां पुत्र के रूप में हम ही जन्म लेकर के आएंगे, ये हमारी तरफ से अलग से एक वरदान है। ताली बजाई, आपने समझ में आ गई थी बात? हमें तो लगा समझे कि नहीं, पता नहीं। सीधी बात, ठाकुर जी से बंधुओं कभी संसार भी मांगो ना, वो भी अपने सुख निवृत्ति के लिए नहीं, उसमें भी भगवत दर्शन हो, भगवत भाव हो, ऐसी इच्छा रखनी चाहिए। घर में गाड़ी आ जाए, अगर ये इच्छा है ठाकुर जी से, तो आप ये मत कहो ठाकुर जी घर में गाड़ी आ जाए ना, हे ठाकुर जी आपको इधर उधर ले जाने के लिए बढ़िया रथ घर में आ जाए, तो फिर गाड़ी भी भक्ति भाव से ही आएगी। ठाकुर जी कहेंगे हमारे लिए रथ मंगा रहा है, लेकिन फिर देख लेना वो रथ पर ठाकुर जी का ही होना चाहिए, उस पर अपना अधिकार मत जमाना। हे ठाकुर जी गुना में बढ़िया एक घर बन जाए हमारा, आप छोटे से घर में रहते हैं, आपके लिए भव्य एक महल जैसा बने, ऐसी कोई कृपा करो, तो ठाकुर जी बनवाएंगे। कहीं भी हमारे सुख का भाव नहीं होना चाहिए, कहीं भी हमारे भोग विलास का भाव नहीं होना चाहिए उन सब भावों में। तो कर्दम ऋषि ने भगवान की 1000 वर्ष तपस्या करके क्या मांगा, कि आपसे प्रेम करने वाली, आपकी भक्ति करने वाली एक पत्नी मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कर दो, मेरा विवाह हो जाए ऐसी कन्या से। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि एक वरदान तो ये दिया, दूसरा अपनी तरफ से दिया कि तुम्हारे यहां पुत्र भी मैं ही बन के आऊंगा, जाओ। और कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति जी के साथ हुआ। विवाह के पश्चात कर्दम ऋषि 60 वर्ष की समाधि में चले गए, समाधि से जब उठे तो देवहूति वृद्ध हो गई, तब देवहूति को विंदु सरोवर में स्नान कराया, तब वो नवीन एव रूप में प्रकट हुई, तब उन्होंने कामक विमान बनाया, और उस कामक विमान में भ्रमण के पश्चात 9 पुत्रियों को जन्म दिया देवहूति माता ने। ये 9 पुत्रियां ही 9 भक्ति हैं। 9 पुत्रियों का विवाह कर दिया। कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी अब गृहस्थाश्रम पूर्ण हो गया, अब मैं वन में जाके भजन करूंगा। देवहूति माता बोली, बेटियां आपने घर चली गई, आप वन में चले जाओगे, मैं अकेली कहां जाऊंगी? एक पुत्र होता तो उसके सारे पूरा जीवन जी लेती। तब कर्दम ऋषि को याद आया कि ठाकुर जी ने उनको वचन दिया है कि वे उनके यहां पुत्र बनकर के आएंगे। तब 10वीं संतान की उत्पत्ति हुई, और 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल का आगमन हुआ। बोलो कपिल भगवान की। सांख्य शास्त्र के प्रणेता, दर्शन शास्त्र के उद्गाता, जिन्होंने पूरे विश्व को
दर्शन शास्त्र प्रदान किया, ऐसे भगवान कपिल का आगमन हुआ। कपिल भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए। देवभूति माता ने एक दिन विचार किया कि ये मेरे पुत्र हैं पर भगवान भी तो हैं, क्यों ना अपने जीवन की जरूरी कुछ संवाद इनके साथ में मैं करूं। तब देवभूति माता ने कपिल भगवान के साथ संवाद किया, इसी को कपिल देवभूति संवाद कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा गंभीर प्रसंग है, पर जितनी हरी इच्छा होगी हम कहेंगे। देवभूति माता ने पहला प्रश्न किया भगवान से। अच्छा बंधुओं, कभी आपने एक बात विचार की अपने मन में, कभी मान लीजिए कि कभी ठाकुर जी आपको मिल गए, आप क्या करोगे फिर? कभी प्रत्यक्ष हनुमान जी आपके सामने प्रकट हो गए, क्या करोगे? महाराज जी पांव छू लेंगे, और क्या करोगे? कुछ विचार किया ही नहीं, क्योंकि हमको ये विश्वास ही नहीं है कि ठाकुर जी हमको मिलेंगे, इसलिए हमने कभी विचार ही नहीं किया है। श्रीमद् भागवत के कम से कम हमने 10 श्लोक छांट करके रखे, कभी अगर हमारे ठाकुर जी हमको प्रत्यक्ष मिल गए तो ये 10 प्रश्न हम ठाकुर जी से करेंगे। अब हमारे प्रश्न हमारे हैं, गोपनीय, हम सबको क्यों बताएं, लेकिन आप भी विचार किया करो। कभी प्रत्यक्ष राम जी आ गए सामने प्रसन्न होके आपसे, क्या करोगे, क्या पूछोगे? वो बात एक अलग हो जाती है कि सुध बुध नहीं रहेगी, करोगे कुछ, होगा कुछ आदि आदि, वो सब एक अलग बात है। वो आपकी तन की स्थिति देहाभिमान हो जाएगी, वो एक एक भक्ति की परिणति है। लेकिन ठीक है, ठाकुर जी कम से कम 5-6 घंटे के लिए आए, 1-2 घंटे थोड़े अव्यवस्थित रहोगे, लेकिन 2-3 घंटे बाद थोड़ी सुध आएगी। ठाकुर जी अपने बगल में बैठाएंगे, कहेंगे भैया कुछ कहो, इतना हमारा भजन करते हो, कुछ बोलो। क्या बोलोगे, सोच के रखा है कभी? नए नए प्रेम करने वाले जब मिलते हैं तो प्रेमी पहले से विचार कर लेता है मैं क्या बोलूंगा। विवाह से पहले ही पति पत्नी विचार कर लेते हैं, मैं पत्नी से ये बोलूंगा, पत्नी पति के लिए सोच लेती है, लेकिन कभी ठाकुर जी के लिए हमने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं है कि वो हमको मिलेंगे। ये विश्वास पहले जगाओ हृदय में, ठाकुर जी मिलेंगे, और मिलेंगे क्या चर्चा होगी। देवभूति माता ने जो भगवान से प्रश्न किए हैं ना, अद्भुत। देवभूति माता प्रश्न करते हुए कहती है, भगवान कि निर्वेणानित राम भूमल असद इंद्रिय तर्षिणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्ना प्रभु। देवभूति माता प्रश्न करती है, भगवान हम अपनी समस्त इंद्रियों की इच्छाओं को पूरी करते करते हार चुके हैं, पर हमारी इंद्रियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। कृपा करके ऐसा कोई मार्ग बताओ कि हमारे चित्त में फिर कोई इच्छा ही ना प्रकट हो। आज इच्छा प्रकट हो गई रसगुल्ला खाने की, तो उसके पीछे पड़े, कैसे भी करके रसगुल्ला खाया जाए। इच्छा हो गई कि आज भेल खानी है, तो उसके पीछे पड़े। अब इच्छा हो गई घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए धन कैसे कमाना, धन कमाने के लिए लगे हैं पूरे दुनिया में काम करने में। निश्चित ही व्यक्ति के चित्त में इच्छा प्रकट होती है, और वही इच्छा ही उसको कर्म बंधन में बांधती है। ठाकुर जी ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे चित्त में कोई इच्छा ही प्रकट ना हो, क्योंकि इन इच्छाओं के मारे ही पूरी दुनिया में सब लोग भाग रहे हैं। लेकिन ये इच्छाएं भी पूरी नहीं होती। आपकी इच्छा थी बस घर बन जाए, और कुछ नहीं है हमारा। घर बन गया, घर में आ गए, उसी दिन दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, ये और हो जाए। वो भी हो गया, उसी दिन तीसरी इच्छा जन्म लेती है, ये और हो जाए। कभी भी किसी के साथ ऐसा कभी नहीं होता कि वो पूर्ण रूपेण स्थिर हो गया हो कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं, कभी नहीं होता ऐसा। महाराज जी, अब कई जगह हमारी कथा होती है तो लोक बागों के अंदर मरकट वो आता है, मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य कैसा होता है? बहुत जैसे शमशान लोग जाते हैं ना अर्थी लेकर के,
तो जब तक शमशान घाट जा रहे हैं तब तक वैराग्य रहता है, चिता में अग्नि लगी तब तक वैराग्य रहता है, जैसे ही अग्नि ठंडी नहीं होती उससे पहले वैराग्य खत्म, थोड़ी देर का वैराग्य, इसको मरकट वैराग्य कहते हैं। कई लोगों को कथा सुनने से मरकट वैराग्य आ जाता है, आएंगे आएंगे कक्ष में मिलने के लिए, महाराज जी अब आपकी कथा सुनकर के हम पूर्ण रूपेण विरक्त हो चुके हैं, अब हमारा कुछ मन नहीं है, घर परिवार में रहना नहीं है, अब आप बस अपने कथाओं में कोई सेवा बता दो, सब वैष्णव ब्राह्मण गंधर्वजन और हमारी पूरी टीम रहती इन्हीं की सेवा कर देंगे, कोई भी एक सेवा दे दो हमको। चलो अगली कथा वहां है, वहां आ जाना, ठीक है महाराज जी। मैं बस एक चीज है, वो बेटा का ब्याह होने वाला है, उसका ब्याह करते ही आ रहा हूं, एक दो साल हो गए हमको फिर मिले, मैंने हो गया बेटे का ब्याह, बोला हाँ महाराज जी बेटा का ब्याह हो गया, बहुत बढ़िया बहू आ गई, मैं तो चलो आओ अगली कथा बंबई में पहुंचो वहां पे। बस महाराज जी वो बेटे के संतान होने वाली है, संतान होते ही आ रहा हूं बस मैं, बस फिर तो ये मन में भाव आ जाएगा भैया अब तो हम बाबा बन गए, अब तो जाना ही चाहिए। मैं ठीक है भैया, दो तीन साल बाद फिर मिल गए, मैंने कहा हाँ भाई आ जाओ अगली कथा गुना में हो रही है। मैंने क्या हुआ बेटे को, बोले बेटा हुआ है अब स्कूल भी जाने लगा है। मैंने कहा अच्छा अब आ जाओ, बोले वो तो बाबा बोलता है महाराज जी तो मन आता है कि बस अब कह रहा है बाबा, बाबा बन गए आप जाओ भजन करो। लेकिन हमारी बेटी का बेटा वो आके बोलता ना ना अभी मत, मना करता है महाराज जी। बस अब क्या है जीवन में कुछ तो है नहीं, वो नाती और थोड़ा बड़ा हो जाए उसका ब्याह भी हो जाए फिर तो मैं आ ही जाऊंगा भैया, ये इच्छा कभी खत्म नहीं होने वाली। आपको लगता है कि मैं इसको भोग लूंगा इसके बाद फिर कुछ भी मेरी इच्छा नहीं होगी, नहीं ऐसा नहीं है। अग्नि में जितना घी डालोगे अग्नि उतनी तेज होती है, अग्नि केवल दो ही तरीके से शांत हो सकती है, या तो घी डालना बंद करो या फिर पूरा घी उड़ेल दो। मतलब इंद्रियों की इच्छा केवल दो तरीके से शांत हो सकती है, या तो भोगो ही मत और या फिर इतना भोग लो कि उब जाओ। लेकिन ये दूसरे वाले में खतरा बना हुआ है, बहुत भोगने पर भी वो खत्म होगी ये संभव नहीं है, क्योंकि घी आप जब पूरा डाल देते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो अग्नि शांत हो जाती है, पर थोड़ी देर बाद जब प्रज्वलित होती है तो पहले से तीव्र होती है। इसलिए एक ही उपाय है इंद्रियों की शांति का कि घी डालो ही मत अग्नि में, मतलब भोगो ही मत। इसलिए यहां पर देवभूति माता प्रश्न कर रही है, भगवान ये बंधुओं सांख्य शास्त्र है, फिलोसफी है भागवत की, साधारण विषय नहीं सुन रहे हम लोग, कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी इंद्रियां शांत हो जाए। तो भगवान इसका उत्तर देते हुए बहुत सुंदर बात कहते हैं कि चेत खल्वस्य बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये गुणेषु शक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। भगवान कपिल कहते मां इंद्रियों की कोई इच्छा नहीं होती कभी भी, जीभ की इच्छा नहीं होती कि मुझे ये खाना है, हाथों की इच्छा नहीं होती कि मुझे ये स्पर्श करना है, पैरों की इच्छा नहीं होती कि मुझे यहां जाना है, नेत्रों की इच्छा नहीं होती कि मुझे ये देखना है। हाथ वही पकड़ेंगे जो आप पकड़वाओगे, पैर वही जाएंगे जहां ले जाओगे, मुख वही बोलेगा जो बुलवाओगे, नेत्र वही देखेंगे जो दिखाओगे। वास्तविक में इंद्रियों की कोई इच्छा नहीं है, इन इंद्रियों का अधिपति आपके चित्त के भीतर बैठा आपका मन, उसकी इच्छा होती है और वो इच्छा इन इंद्रियों से कह करके आपको कहता है कि इसको पूरी कराओ। रसगुल्ला केवल तब तक अच्छा लगता है जब तक जीव पर नहीं आ रहा, जीव से भीतर जाते रसगुल्ले का कोई स्वाद नहीं होता। इसी प्रकार संसार के जितने भी विषय भोग वस्तु हैं, वो विषय भोगी वस्तु केवल एक अनुपात तक ही हमको सुख देती है, उसके अधिक वो सुख नहीं देती। क्यों? क्योंकि मन अपनी सुख की वस्तु ले लेता है, बाकी इंद्रियों को उसमें छोड़ देता है कि तुम भोगते रहो।
इसलिए माँ आप कहो कि आंखों को सुधारना है, पैरों को सुधारना है, हाथों को सुधारना है, इंद्रियों को सुधारना है, तो नहीं सुधरेगा। इन सबके अधिपति मन को सुधारना पड़ेगा। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो ध्यान से। और मन केवल एक चीज से सुधरेगा। मन को सुधारने का केवल एक तरीका है। आप कहोगे आप तो घूम फिर के एक ही बात बोलोगे, सत्संग। नहीं, मन सत्संग से नहीं सुधरेगा, मन सुधरेगा कुसंग के त्याग से। आप कहो कि हम पे इतना समय नहीं हम कथा में आ सके, हम पे इतना समय नहीं हम वृंदावन जाके कथा सुने, हम पे इतना समय नहीं कि हम संत जनों की वाणी सुन सके, हमारे पास में इतना डाटा नहीं कि मोबाइल पे भी लाइव कथा सुन सके, कोई और उपाय बताओ मन को एकाग्र करने का। अपने आसपास रहने वाले, अपनी बातचीत के दायरे में आने वाले, उठना बैठना जिनके साथ है, उन सब की लिस्ट बनाओ। और उनमें जितने भी लोग कुसंगी हैं, जो दूषित खाते हैं, दूषित पीते हैं, दूषित बोलते हैं, दूषित विचारधारा वाले, वो चाहे कितने भी अपनत्व के क्यों ना हो, उन सब का संग छोड़ दो, आपका मन अपने आप पवित्र हो जाएगा। कुसंगता का त्याग, उसी से ही मन पवित्र होगा। मैं तो खूब कथा में बोलता हूं कि जो लोग कथा में नहीं आते, जो लोग कभी महाकाल नहीं जाते, जो लोग वृंदावन नहीं जाते, जो लोग कभी भाव से ठाकुर जी का दर्शन नहीं करते, संकीर्तन नहीं करते, ऐसे लोगों को सब जगह ब्लॉक मार दो, फोन पे ब्लॉक कर दो, सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दो, चाहे वो अपने चाचा ताऊ के बच्चे क्यों नहीं हो, सबको ब्लॉक करो, किसी से कोई मतलब नहीं, नातेदार जो ठाकुर जी का नहीं हमारा उससे कोई संबंध नहीं। आप ये करके देखिए, अगले दिन से आपका मन ना ऐसा लगेगा जैसे मानो कबूतर का पंख जितना हल्का होता है ना, हवा में लहराता है, ऐसे मन जो भारी भारी रहता हमेशा, जैसे कुसंगता का त्याग करोगे मन अपने आप हल्का हो जाएगा, मन अपने आप पवित्र हो जाएगा, मन में अपने आप शुद्धता आ जाएगी। कुसंग व्यक्ति का संग हमारे मन को बिगाड़ता है। देवभूति माता से भगवान कपिल कहते हैं, मां और एक बात सुनिए, कुसंगता का त्याग मतलब व्यक्ति विशेष का त्याग नहीं होता है। आप जो वस्त्र पहनते हैं ना, उन वस्त्रों से भी संग का पता चलता है। आप जो खाते हैं, अन्न से भी आपके संग का पता चलता है। आप अन्न का कैसा संग करते हो, आप वस्त्रों का कैसा संग करते हो। आपने देखा होगा कई संत महापुरुष कहीं भी जाते हैं अपना आसन संग लेके चलते हैं, और वो जैसी कुर्सी में बैठेंगे तो पहले आसन बिछाएंगे फिर बैठेंगे। क्यों आसन क्यों लेके चलते हैं साथ में? अब वहां पर ना जाने कौन बैठा होगा, किस कैसे कैसे लोग बैठे होंगे, उस वहां पर बैठ के किसने क्या क्या विचार किया होगा, उसका प्रभाव कहीं उनके ऊपर ना पड़े, इसलिए वो अपने भजन का आसन संग लेके चलते हैं, उसी पे ही बैठेंगे। वो बात अलग है कि आजकल दिखावे के लिए लेके चलते हैं, देखो महाराज जी का आसन है भैया, ले बिछा बैठो। वास्तविक मूल बात तो ये है कि कहीं हम ऐसे दूषित स्थान पर ना बैठे जहां बैठने से हमारी बुद्धि विकृत हो जाए। संग का मतलब केवल लोगों के बीच में रहने से संग खराब नहीं होता, वस्त्रों से भी संग खराब होता है। आज हम धोती पहनते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, पटका पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, ये सात्विक वेशभूषा रखते हैं, इसीलिए कई हद तक कथाएं कह पाते हैं। जिस दिन ये वस्त्र बिगड़ जाए, जीन्स पहनने लग जाए, टी शर्ट पहनने लग जाए, अपने आप बुद्धि विकृत होने लग जाएगी। और विकृत तो बहुत दूर की बात, चलो मान लो कि मैं जींस पहन के आ भी गया मंच पर, कोई रोक टोक तो है नहीं, मुझे पहन सकता हूं, लेकिन मेरी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। वो प्रभाव ही तब पड़ रहा है जब हमारे वस्त्र सात्विक है। तो संग केवल व्यक्ति से नहीं होता, संग आपकी जीवनचर्या से भी होता है। अब लोग कहते हैं प्याज लहसुन क्यों नहीं खाए महाराज जी, कोई पाप थोड़ी है वो, कोई ऐसा थोड़ी नरक जाना पड़ेगा आपको, बस वो तामसी है। अभी 7 दिन यहाँ कथा चल रही है, तो अब आप सब लोगों का तो पता नहीं आप लोग घर जा क्या पाते हैं, लेकिन यहाँ जितने भी हमारे आयोजक परिवार, किरार परिवार, ये लोग बढ़िया शुद्ध भोजन कर रहे हैं, सात्विक भोजन कर रहे हैं, कोई प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं कर रहे, शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे हैं। इसका प्रभाव इनके मन पर यह पड़ रहा है कि ये 3 घंटा बैठ रहे हैं,
24 घंटा कथा चित्त में चल रही है, रात में लाल जी का दर्शन, सुबह लाल जी का दर्शन, 24 घंटे व्यापार आदि की इतनी चिंता नहीं हो रही होगी, 24 घंटा बस ठाकुर जी का स्मरण चल रहा होगा। क्यों? सात्विक आहार, आहार की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, आचरण की शुद्धि, संग की शुद्धि, सबसे मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप लोग पहाड़ों पर जाते हैं, नदी किनारे जाते हैं, तो वहां अपने आप मन लगने लग जाता है। क्यों? सात्विक है, वातावरण शुद्ध है। वहां पर तामसी, जितना नगरों में तामसी लोग रहते हैं, इतने तामसी लोग वहां नहीं है, इसलिए आपका मन शांत हो रहा है। पर्यावरण से भी हम लोग कितने घरों में जाते हैं, लोग बाग बुलाते हैं, सत्य बता रहे हैं, घर में पैर रखते ही अनुभव हो जाता है कि घर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे, क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे, क्या पीते होंगे, विवाद चल रहा होगा, भाई भाई लड़ रहे होंगे, सब पता चल जाता है। और ऐसे घर में फिर बैठने का बहुत ज्यादा देर मन नहीं करता, बस होता है बस प्रणाम करें, चलो धन्यवाद, चलो। और कहीं कहीं ऐसे घरों में भी जाते हैं, वहां बैठ करके बस लगता है कि कोई तकिया दे दे, यहीं सो जाए, इतना सुख मिल रहा है, चित्त को इतनी शांति मिल रही है, इतना बढ़िया लग रहा है। अब ये सबके साथ होता है कि नहीं, हमारे साथ तो होता है ऐसा। मुझे घर में जाने से, नगरों से भी मुझे वो होती है, नकारात्मक सकारात्मक भाव आने लगते हैं। कई भारत के ऐसे नगर हैं, वहां पहुंचते ही ऐसा लगता है यहाँ कथा कब पूरी हो जाए यहाँ से, और कई नगर ऐसे वहां ऐसा लगता है कि अरे 8 दिन हो गए पूरे, अरे और 10-15 दिन और कथा चलती रहती, आनंद आता। ये सब संग दोष है, और इन सब की शुद्धि से मन पवित्र होता है मां। लेकिन हम इतना तो नहीं सुधार सकते कि भाई वस्त्र भी सुधार लें, सब कुछ सुधार, कम से कम इतना तो सुधार कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का संग त्यागो जो ठाकुर जी से संबंध नहीं रखता, जो ठाकुर जी की कथा से संबंध नहीं रखता, यहां से प्रारंभ करो। और भगवान कपिल कहते हैं ये पंच लक्षण जिसमें हो उसका संग करो। कौन कौन से पंच लक्षण? कि तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला लक्षण बताया तितिक्षु। तितिक्षु का मतलब होता है सहनशील, जो कि आज की डेट में कोई भी नहीं है, कोई सहनशील नहीं है। दूसरा लक्षण कारुणिका, सब पर दया करने वाला। तीसरा लक्षण सुहृदः सर्वदेही नाम, सबका भला चाहने वाला। चौथा लक्षण अजात शत्रु, किसी से शत्रुता ना करने वाला। और पांचवा लक्षण शांता, मौन रहने वाला। ये पंच लक्षण जिसमें हूं मां उसका संग करो। आपको किसी में नहीं दिखेंगे ये पांचों लक्षण, पर हमने कथा करते करते पांचों लक्षण एक में देखे। दोबारा सुनिए और विचार करो ये पांचों लक्षण किस में है। सहनशीलता, दया, सबका भला चाहने वाला, किसी से शत्रुता ना मानने वाला, और शांत रहने वाला। ये पांच लक्षण आपने किसी में देखे, पांचों एक में नहीं। पर कथा करते करते हमको एक में ये पांचों लक्षण दिखे, और वो है जगत जननी श्री गौ माता। गैया में ये पांचों लक्षण होते हैं। शब सहनशील, गैया सहनशील है, बहुत सहती है। दूसरा कारुणिका, सब पर दया करती है। कसाई भी जब पकड़ के ले जाते हैं तो मारने से पहले सोचते हैं थोड़ा दूध निकाल लो, मिल जाए चाय बना लेंगे। और अपने हत्यारों को भी दूध दे करके उन्हीं के हाथों मर जाती है। कारुणिका, सुहृदः सर्वदेही नाम, सबका भला चाहती है। केवल मेरे बच्चों का पेट भरे ऐसा नहीं, जो पिए सबको देती है। अजात शत्रु, किसी को अपना शत्रु नहीं मानती। और पांचवा लक्षण शांता, शांत रहती है।
आप कहोगे महाराज ये लक्षण तो भैंस में भी है, आपने उसका नाम क्यों नहीं लिया। मानव मैं पहले से ही सोच के रखता हूं क्वेश्चन जो मानव मुझसे पूछ सकता है। आप कहोगे महाराज भैंस में भी है ये लक्षण तो, आप कहोगे महाराज बकरी में भी है, वो भी तो ऐसी रहती है बेचारी, वो भी दूध देती है, सबका भला करती है, ये करती है, लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर है। गाय का और भैंस का दोनों का स्वभाव अलग है। हमारे ब्रज में तो ऐसा कहते हैं भैंस का कोई निरंतर दूध पिए तो उसका शरीर भले ही बन जाएगा लेकिन बुद्धि से जड़ हो जाएगा, बुद्धि में जड़त्व आ जाएगा क्योंकि उसके दुग्ध में जड़त्वता है, आलसी होती है ना। और रही बात बकरी की, तो बकरी शांत नहीं रहती, मैं करती रहती, अहंकारी होती है, 24 घंटा मैं करती रहती है, लेकिन गाय शांत रहती है, शांत स्वभाव है उसका। स्वभाव के रूप में गौ माता श्रेष्ठ है। तो ये पंच लक्षण जिसमें दिखे मैया उसका संग करो, लेकिन ये पांचों लक्षण आपको किसी में ना दिखे तो अपने अंदर लाने का प्रयास करो। एक विचार और हमने किया कि ये पांचों लक्षण जो हैं यदि नीचे से हम लाना प्रारंभ करें तो हमारे अंदर ये पांचों लक्षण आ सकते हैं। जैसे कि अंतिम लक्षण बताया था शांत, मौन रहना प्रारंभ कर दो। आप मौन रहना प्रारंभ करेंगे तो आपके अंदर चौथा लक्षण अपने आप आ जाएगा, क्या? अजात शत्रु, किसी से शत्रुता नहीं होना। शत्रुता होती उन्हीं लोगों की जो बोलते बहुत हैं, कम रहते बोलते शांत रहते हैं। ये सूत्र है संस्कृत का, व्याकरण का सूत्र है और हमारे शास्त्रों का सूत्र है कि मौने च कल हो नास्ति, मौन रहने वाले के कभी कलेश नहीं होते, कलेश होते ही उसके ज्यादा है जो बहुत बोलता है। इसलिए आप मौन रहना प्रारंभ करो, अपने आप होता जाएगा कि आपके शत्रु खत्म हो जाएंगे, अपने आप आपकी शत्रुता नष्ट हो जाएगी। तो मौन रहने से ये चौथा लक्षण आ जाएगा, चौथे लक्षण से तीसरा लक्षण आया, तीसरा लक्षण कौन सा है? श्रुहिदः सर्वदेहि नाम, सबका भला चाहना, ये अपने आप आपके मन में आ जाएगा। तीसरे लक्षण से दूसरा लक्षण आ जाएगा, दूसरा लक्षण क्या? दया, सबके प्रति दया अपने आप आएगी। और ये चारों लक्षण आ गए तो पांचवा और प्रथम लक्षण अपने आप आपके अंदर आ जाएगा, सहनशीलता। तो नीचे से प्रारंभ करो, शांत रहना प्रारंभ करो, जितना हो सके मौन रहो। ऐसा हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि व्यक्ति की आयु दो चीजों से कम होती है, एक तो बहुत खाने से, दूसरा बहुत बोलने से। बहुत खाने वाला और बहुत बोलने वाला, इन दोनों की आयु, हम जितना बोलते हैं उतनी आयु कम होती है, जितना खाते हैं उतनी आयु कम होती है। इसलिए भोजन और वाचन, इन दोनों पर थोड़ा वेग लगाओ, लगाम लगाओ, कम करो। आप कहोगे महाराज जी फिर तो आपके बहुत कम साल रह गए होंगे, बोलते ही रहते हो 4 घंटा, आप तो बिल्कुल चुप ही नहीं रहते। अब एक और ट्विस्ट बताएं, एक और बढ़िया बात बताएं। हरी चर्चा करने वाले को, भगवत संबंधी वार्ता करने वाले की जितनी देर वो बोलेगा उतनी देर उसका मौन ही माना जाता है। मतलब आप सांसारी चर्चा कर रहे हो, आप संसार की चर्चा कर, उसका घर कहां बनना है, वो क्या कर रहा है, वो कहां जा रहा है, उसकी पत्नी कैसी, उसके बच्चे कैसे, उसका क्या है, ये क्या, ये सारी बातें, तो ये सब बोलने में काउंट किया जाता है। लेकिन जैसे ही आप भगवत संबंधी वार्ता करते हैं तो आप मौन ही माने जाते हो, आप मौन हो। अगर इस नाते से देखा जाए तो हमारी अभी वाणी पूरी हुई ही नहीं है, हम मौन ही है अभी तक। ये मौन, अच्छा मौन व्रत करने वाले जो होते हैं, जो मौन व्रत धारण करते हैं 12 वर्ष का, 14 वर्ष का, 20 वर्ष का, उन लोगों को अनुमान आज्ञा होती है कि वो भगवान नाम बोल सकते हैं, वो ठाकुर जी की कथा चर्चा बोल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि भगवत चर्चा मौन ही मानी जाती है, उसको मौन में ही गिना जाता है। इसलिए भैया मौन रहना प्रारंभ करो। तो मौन रहने का मतलब यह भी समझ लो कि पूरे दिन केवल भगवत चर्चा ही करो,
भगवत संबंधी वार्ता ही करो, भगवत विमुख वार्ता करो ही मत। कपिल भगवान ये पांच लक्षण बताते हैं। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन हो, मन की तरंग मार लो बस हो गया। बहुत सुंदर भजन है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन हो, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन हो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, रसोई घर में जाकर के जो माने घर में बनाया घिया की सब्जी वही रोटी से खाली वही भजन माना जाएगा आपका, कि आपने अपनी जीव को वो नहीं दिया जो वो मांग रही थी, विपरीत दिया। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, देख ना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, कब इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, सुख में फूलो मती दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसलिए भैया जब भी किसी भी इंद्रिय की कोई इच्छा प्रकट हो ना, प्रयास करो कि वो इच्छा पूरी नहीं करनी है, असद इच्छा। हाँ, इच्छा भगवत संबंधी है तो पूरी करो, लेकिन संसार के संबंधी कोई असद इच्छा इंद्रिय में प्रकट हो रही हो, प्रयास करो कि उसको मारो, उसको दबाओ, उसको पूरा मत करो। आप इतना कर लेंगे तो भी आपका भजन माना जाएगा। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, गलत कहा, पर प्रत्युत्तर में आपने कुछ गलत नहीं किया, बस वही भजन माना जाएगा। बस संभाल लिया तुमने अपने आप को, रोक लिया अपने आप को, नियंत्रित कर लिया अपने आप को, बस यही भजन है। अपनी वाणी का स्वर संभाल, अपनी वाणी का स्वर है, दुनिया निहारते
कई बार व्यास जो होते हैं वो मानव का अवगुण बताते हैं कि मानव के अंदर ये अवगुण होता है, ये अवगुण होता है। तो हमारा स्वभाव क्या होता है, हम अपने अंदर नहीं देखते, बगल वाले को बोलते हैं देख तेरे अंदर ये कमी है जो महाराज जी बता रहे हैं, हमने तुझसे कभी बोली नहीं लेकिन ये तेरे बारे में ही बोलना ही है। हम दूसरों में दोष देखते हैं, अपने अंदर नहीं देखते। एक बात बताएं, देवताओं में और राक्षसों में अंतर क्या है, उनकी नजरों में अंतर है। देवता जो हैं वो अधम से अधम में भी सद्गुण देखते हैं, इसीलिए वो देवता हैं। और राक्षस जो हैं वो प्रभु श्री राम में भी दोष देखते हैं, इसीलिए वो राक्षस हैं। कहने का अभिप्राय, जो सब में दोष देखे वो राक्षस है, वो जो सब में गुण देखे वही देव है। इसलिए भैया सब में गुण देखो, सब में अच्छाई देखो, सब में भलाई देखो, अच्छा क्या है। एक व्यक्ति बोला महाराज जी आप कथा बहुत बढ़िया करते हो। मैंने कहा अच्छा, पर बीच बीच में अपनी जुल्फियां बहुत काटते हो, ले मुंह में वो दोष दिख गो तो है। तो कई लोग दोष दृष्टि रखते ही हैं, वो सब में ही दोष देखते हैं। ऐसा नहीं, किसी और के अंदर दोष नहीं है। नजरों में तेरी दोष है दुनिया निहारते, नजरों में तेरी दोष है दुनिया निहारते, ओ समता का अंजन डाल लो, समता का अंजन डाल लो, हाँ समता मतलब केवल नाम जप और सत्संगी नहीं होता। कई सारे आपके व्यवहार भी आपके भजन को परिलक्षित करते हैं। भगवान देवहूति को बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, इसी को कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। अष्टांग योग का वर्णन, द्वादश 25 तत्वों का वर्णन, जंतु की स्तुति आदि आदि, ये सब क्रम देवहूति संवाद में सुनाए गए। आगे भगवान के मधुर सत्संग